कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर जुलाई माह शुरू होने के पश्चात भी अब तक स्कूलों को शासन ने शुरू करने के आदेश नहीं दिए। इसी बीच निजी शालाओं द्वारा तो ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है, लेकिन शासन की अनुदानित शालाओं में अब भी पाठ्यक्रम कुछ हद तक ही शुरू हो पाया है। बटनेरा शहर के मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल में वर्ग एक से लेकर आठ तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें आ चुकी है और इन पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया में स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के पश्चात पालकों से इस संदर्भ में मीटिंग भी की गई है और उसके बाद में अब मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल के कुल 584 विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा दी जाएंगी। उसी कड़ी में बडनेरा शहर की सबसे बड़ी मराठी माध्यम की स्कूल राजेश्वर यूनियन हाई स्कूल, इस स्कूल में वर्ग एक से लेकर पाँच और वर्ग पाँच से लेकर आठ तक के विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाइन शिक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें वर्ग पाँच से लेकर आठ तक में कुल 1150 के आसपास विद्यार्थी है और इन 1150 विद्यार्थियों में से अब तक कुल 650 से लेकर 700 विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दे दी गई है तथा बचे हुए शेष विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें देना शुरू की गई है। राजेश्वर यूनियन हाई स्कूल में 35 से 40% विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लेकिन क्या इन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये संभव हो पाएगा कि वो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे? क्या इन सभी विद्यार्थियों के पास में भी मोबाइल है या इन सभी क्षेत्रों में मोबाइल का नेटवर्क भी उतनी ही सतर्कता के साथ में चलता है जिस प्रकार से शहर में इंटरनेट चलता है? इन सभी के बीच में कहीं ना कहीं शासन अनुदानित शालाओं के विद्यार्थियों का भविष्य अब भी अधर में लटका हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर कहीं ना कहीं सभी शासन अनुदानित शालाओं के शिक्षक एवं विद्यार्थी इस कड़ी को जोड़ने में लगे हुए हैं और इसी संदर्भ में राजेश्वर यूनियन हाई स्कूल की प्राध्यापिका कुल्ले मैडम से करते हैं एक मुलाकात। राजेश्वर यूनियन हाई स्कूल में 5वीं से 8वीं तक लगभग 1150 बच्चे हैं और उनमें से 750-800 बच्चों को किताबें वितरित हो गई है और ऑनलाइन के हिसाब से क्या नियोजन किया जाए? हिसाब से 8वीं से जूम मीटिंग और ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया कुछ बच्चों का जिनके पास एंड्रॉइड है उनका, और 5वीं से 7वीं तक हम अब नियोजन कर रहे हैं। वो शिक्षकों को हम पहले समझा देंगे कि गूगल फॉर्म और ऑनलाइन एजुकेशन कैसे देंगे। मैम, इसके अंदर में स्कूल का कुछ टाइमिंग नियोजित किया है क्या? टाइम नियोजित किया है हमने 11 से 2 तक बच्चों के साथ में वो इंटरेक्शन कर सकते हैं। बडनेरा की राजेश्वरी स्कूल सबसे पुरानी स्कूल है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के भी विद्यार्थी बहुत सारे आते हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन शिक्षा का लाभ मिल सकता है? नहीं, सब बच्चों को नहीं मिल सकता क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में से जो बच्चे हैं वो कुछ ही पेरेंट्स के पास मोबाइल है एंड्रॉइड है करके वो पूरे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पाते। इसके अंदर में ग्रामीण वालों के लिए कुछ ऐसा सोल्यूशन निकल सकता है कि उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस देकर भाई जब पुस्तकें मिल गई हो? उनके पास तो व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है, लेकिन हमने शिक्षकों को बताया है कि फोन करके उनको बताना अभी किताबें वितरित हो गई है कुछ होने की है तो किताबें वैसे वो मोबाइल पर उनको कुछ बताएंगे, कुछ एक्टिविटी देंगे किताबें देखकर तो बच्चे कर सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा सब बच्चों के लिए, ये बराबर इफेक्टिव नहीं है। तो कोरोना की पार्श्वभूमि पर ये क्या एक ऐसा समय की मांग के हिसाब से? हाँ, ये सिर्फ फिलहाल एक सॉल्यूशन है, ये पूरे यानी कि आगे तक ये नहीं चल सकेगा। बच्चों को क्लास में आकर जो पढ़ाई होती वो ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं होती। और इस कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर जहां अब तक पूर्ण रूप से शालाएं शुरू नहीं हुई है, ऐसे में इन विद्यार्थियों के भविष्य का क्या होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न इन पालकों के सामने उभरता हुआ नजर आ रहा है। विदर्भ न्यूज के लिए शोएब खान की यह रिपोर्ट।